आज देश में आर्थिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही सानुकूल वातावरण है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबल होती है, व्यवस्थाएं स्टेबल होती हैं, तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। देश की जनता ने ये काम करके दिखाया है। विश्व भी भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है। हमने इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। आज व्यापार करने के लिए विश्व हमारे साथ उत्सुक है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण समीकरण में को लेकर के चले हैं। कभी विकास दर तो बढ़ जाता है लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं रहती, कभी महंगाई बढ़ जाती है तो विकास दर का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन ऐसी सरकार है जिसने महंगाई को कंट्रोल भी किया और विकास दर को आगे भी बढ़ाया। हमारे अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है, और ये मजबूती हमें आगे ले जाने के लिए भरोसा देती है। उसी प्रकार से जीएसटी जैसा व्यवस्था विकसित करना, आईबीसी जैसे रिफॉर्म लाना, ये अपने आप में एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश में उत्पादन बढ़े, हमारी प्राकृतिक संपदा का प्रोसेसिंग बढ़े, वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडेड चीजें दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो और दुनिया के अनेक देशों तक हम क्यों न सपना देखें कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई चीज भारत से जाती न होगी, हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछ न कुछ एक्सपोर्ट न होता हो। अगर इस दोनों चीजों को लेकर के हम चले तो हम आबादी बढ़ा सकते हैं। हमारी कंपनियां, हमारे उद्यमी, वे भी दुनिया के बाजार में जाने के सपने देखें, दुनिया के बाजार में जाकर के भारत के रुतबा को वहां आवाज देने की ताकत दे। हमारे निवेशक ज्यादा कमाएं, हमारे निवेशक ज्यादा निवेश करें, हमारे निवेशक ज्यादा रोजगार पैदा करें, इसको प्रोत्साहन देने के लिए हम पूरी तरह से आगे आने को तैयार हैं।